अनबॉक्सिंग। आई नो गाइस कि थोड़े दिन हो चुके हैं इस मोबाइल को लॉन्च हुए हुए, लेकिन गाइस ये स्पेशल एडिशन गोल्ड कलर है जो कि आपको फौरन अभी लॉन्च हुआ था 7 जनवरी को। और गाइस 7 जनवरी को मैंने खरीद लिया था, पहले ही सबसे पहले खरीदा था। सो गाइस सबसे पहले करेंगे इसकी बॉक्स की अनबॉक्सिंग, और उससे पहले थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ लेते हैं इसकी। तो फायरी गोल्ड कलर मेंशन है जो कि सबसे अच्छी बात है। 3+ 32 GB रैम वेरियंट है ये, और गाइस यहाँ पे आपको सार वैल्यू भी मेंशन की गई है। सो गाइस चलिए सबसे पहले इसकी बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो अनबॉक्सिंग के लिए मेरा स्पेशल पेन है आज। कैसा पेन ही बोला कमेंट में बताओ। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉक्स मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आपको सिम इजेक्टर टूल भी दी हुई है, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टीपीयू केस कवर है, सम डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपको शायद वारंटी कार्ड भी होता है, रियलमी का डॉक्यूमेंट है ये भाई, ये रहा वारंटी कार्ड, सही है। उसके बाद आपको मिलेगा रियलमी U1 का, तो मोबाइल निकाल लेते हैं सबसे पहले। ओ गाइस गोल्ड कलर देखो, इसको बाद में भी अनबॉक्स करते हैं। और आपको यहाँ पे USB केबल मिल जाएगा, और आपको चार्जिंग अडेप्टर मिल जाएगा, और अपने यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग आ गई है, और आपको यहाँ पे 5W 2A का नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी इस मोबाइल में अभी तक नहीं आई है, मतलब रियलमी शायद अभी करेगा इंक्लूड। सो गाइस चलिए अब बॉक्स की बात, मोबाइल की बात कर लेते हैं। सो इसको सुनो तुम, सो गाइस अगर बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की, तो बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है, और मैंने सच में इसको आपको लॉन्च इवेंट के दौरान देखा था, मुझको बहुत पसंद आया था ये। आप पहले फीलिंग में मुझे लगता है कि iPhone XS वाला कलर है शायद से गोल्ड वाला, क्योंकि ये जो इसका जो फ्रेम है आपको गाइस वो अलग कलर है, ये वाला जो लाइट गोल्ड कलर है ये थोड़ा सा आईफोन वाला डिज़ाइन मेरे को लगता है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आपको सामने से यहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिलेगा। सो इसको जल्दी से बूट कर लेता हूँ और आपको दिखा दूंगा थोड़े बहुत कैमरा सैंपल इस वीडियो में। सो गाइस फाइनली मैंने सेटअप कर लिया रियलमी U1 का। ये इसका जो लाइट पिलर डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है गोल्ड कलर में, तो मुझे लग नहीं रहा कि 12,000 का फ़ोन है। इन हैंड काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील आ रहा है इसमें, और इसका जो डिस्प्ले है बहुत ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट है, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी, इसका टच भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं कलर ओएस को उतना बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन कलर ओएस मुझे ऐसे कोई परेशानी भी नहीं उससे। अब बात कर लेते हैं बूट की बात, तो गाइस बूट में आपको 3-4 एप्लीकेशन जो प्री इंस्टॉल्ड है जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ रियलमी तो इतना सस्ता फ़ोन दे रहा है तो एप्लीकेशन कमाएगा थोड़ा बहुत। तो डेली हंट, ये शेयर चैट और ये ओपेरा, तीनों को मैं हटाता हूँ जल्दी जल्दी। और ये पेटीएम भी यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम से उनका कोई कोलेब्रेशन है, और अमेजोन, तो ये दोनों से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं इनको कीप करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो।